अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से हैं। मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। कुछ दिनों पहले वडोदरा में एक मर्डर होता है। दो गैम्बलर्स के बीच में एक लड़ाई होती है, जिसके वजह से एक गैम्बलर दूसरे गैम्बलर का खून कर देता है। क्लियरली अ मर्डर केस, अ क्रिमिनल एक्ट विच शुड नॉट बी एट ऑल बी लेफ्ट विदाउट जस्टिस। सो इसमें होता क्या है ना कि जो मर्डर करने वाला रहता है वो मुस्लिम में होता है, और जिसका मर्डर हुआ है वो हिंदू होता है। आप समझ सकते हैं कि आगे क्या क्या हुआ होगा। वडोदरा पुलिस को मैं सलाम करती हूँ कि उन लोगों ने अपने पूरी कोशिश की कि वडोदरा में वडोदरा पुलिस के द्वारा कोई भी इनजस्टिस ना हो लोगों के साथ। पर अफसोस की बात यह है कि कॉरपोरेशन ने इस बात को जरा भी नहीं समझा। ये फर्स्ट मर्डर नहीं है वडोदरा में। वडोदरा में बहुत सारे मुसलमानों का मर्डर हुआ है, बहुत सारे हिंदूज का मर्डर हुआ है। मर्डर मर्डर होता है, इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं होता। ये भी एक टॉपिक नहीं है हिंदू मुस्लिम करने का, लेकिन अफसोस के लोग ये चीज में भी हिंदू मुस्लिम कर बैठते। वडोदरा कॉरपोरेशन पिछले कई दिनों से मुस्लिम लोकेलिटीज को टारगेट करके उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। वहां लोगों के जो स्मॉल स्केल काम करने वाले लोग होते हैं ना, जिनके पास दुकानों के रेंट नहीं होते, जो पथारे लगा के नीचे चीजें बेचने की कोशिश करते हैं ताकि रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ कमा कर खा सके, रोज का कमा कर रोज का खा सके, उन लोगों के धंधों को उन लोगों ने तहस नहस कर दिया है वडोदरा कॉरपोरेशन वालों ने। मैं ये पूछना चाहती हूं कि क्रिमिनल एक्ट में भी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख करना जरूरी है? एक मर्डर किया गया है, मर्डर हुआ था जुआ खेलते खेलते। जुआ, दारू, ये सारी चीजें इस्लाम इजाजत नहीं देती है, इसकी हराम होती। यहां तक कि हमको बोर्ड गेम्स खेलना तक अलाउड नहीं है। जो लूडो होती है या कोई भी एनी सॉर्ट ऑफ बोर्ड गेम्स दैट कैन एंड इनटू बेटिंग और गैम्बलिंग इज नॉट अलाउड इन इस्लाम। सो मैं वडोदरा वासियों से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सिर्फ क्रिमिनल एक्टिविटी के टाइम पे हिंदू मुस्लिम क्यों याद आ जाता है? इतना खूबसूरत शहर है, संस्कारी नगरी वडोदरा के नाम से जाना जाता है हमारा शहर, तो अच्छी चीजें क्यों याद नहीं की जाती? 2020 में कोरोना हुआ था, तब बहुत सारे लोग कोरोना के वजह से मौत के घाट उतर गए थे। उसमें हमारे बहुत सारे हिंदू भाई बहन थे जिनके लास्ट राइट्स परफॉर्म करना बहुत मुश्किल हो गया था। मुस्लिम भाइयों ने उनके उनकी बॉडीज को उठाकर हेल्प किया था कि वो लास्ट राइट परफॉर्म कर सके, क्योंकि शमशान तक पहुंचाना बहुत मुश्किल था। ध्यान में रखते हुए गुजरात के वडोदरा में मुसलमानों का एक समूह कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार करता है। इसमें वो धर्म की दीवार को आड़े नहीं आने देते। उन्हें मालूम है कि ऐसा करते हुए वो अपनी जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे होते हैं, फिर भी ये समूह 24 घंटे अपनी सेवा प्रदान करता है। कोरोना के वक्त हिंदू मुस्लिम दोनों में सबसे ज्यादा मुस्लिम्स ने चैरिटी की थी। लोगों के घर जा जाकर किट्स बना बना के बांटते थे ताकि खाने पीने की कोई कमी ना आ सके। सब्जियां, तेल, ये सारी बोलने वाली बातें नहीं है, बट मुझे बोलनी पड़ रही है क्योंकि वडोदरा में ऐसा हो रहा है। प्लीज जस्टिस का सोचिए, हक का सोचिए। हिंदू मुस्लिम जैसा टॉपिक पुराना हो गया है, अब लड़ने के लिए कोई और टॉपिक लाए आप। मर्डर के टॉपिक में भी हिंदू मुस्लिम क्रिमिनल था, पकड़ो उसको, सजा दो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बट दूसरे मुस्लिम्स को क्यों परेशान कर रहे हो? उनके घर क्यों तोड़ रहे हो? उनके बिजनेस को क्यों लात मार रहे हो? उनकी रोजी रोटी पे क्यों लात मार रहे हो? ये सारी चीजें मैं स्पेशली हिंदू भाइयों और बहनों से कहना चाहती हूँ वडोदरा के, कि ये सारी नफरत में अपना हिस्सा ना डाले, ये सारी नफरत से दूर रहे। अभी 2020 तो बहुत दूर की बात रही, 4 साल हो गए इस चीज को। फ्लड्स हुए थे वडोदरा में, बहुत पानी भर गया था। मुस्लिम भाइयों ने पूरी कोशिश की कि हिंदू इलाकों तक भी खाना पहुंच सके,
ये भी किया है तो ये सारी चीजों को भी मुस्लिम की कैटेगरी में डाल दिया करो ना। सिर्फ क्रिमिनल चीजों में हिंदू मुस्लिम हो जाता है, जब मुस्लिम मरता है तब तो कभी ऐसा नहीं होता, और होना भी नहीं चाहिए किसी हिंदू के साथ। अगर किसी हिंदू ने मुस्लिम को मारा है, दे शुड बी ट्रीटेड एज क्रिमिनल्स। देर शुड बी नो बायस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन विद एनीवन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वालिटी की बात करी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो क्यों ये सारी चीजों को आग लगाने की कोशिश जो लोग कर रहे उसमें प्लीज आप सब दूर रहे। यहाँ पे जो जिस इलाके में मर्डर हुआ था ना, वहां पे भी जो कुछ लोकेलिटीज है वहां से लोग भागते भागते आए थे कि यहां से पत्थर आ रहे हैं, मुस्लिम्स बॉटल फेंक रहे हैं। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, हमारे घर भी पुलिस आई थी, 3-4 दिन तक इन्वेस्टिगेशन चली हमारे भी एरिया में, लेकिन पुलिस तुरंत समझ गई देख के यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता। एजुकेटेड पब्लिक है, बच्चे वाले घर है, क्यों ऐसी हरकतें करेंगे, क्यों ऐसी चीजों को बढ़ावा देंगे। नफरत को बढ़ावा ना दे। और जो इनजस्टिस मुस्लिम्स के साथ हो रहा है ना वडोदरा में, मैं चाहती हूँ कि हिंदू भाइयों को आवाज उठानी चाहिए, इन लोगों को दिखाना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम वाला बहुत पुराना पैतरा हो गया, कुछ नया लाओ। पॉलिटिक्स को हर चीज में मिक्स करने की जरूरत नहीं होती। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज वडोदरा के मुस्लिम्स के साथ जस्टिस के लिए आवाज उठाइए, क्योंकि जो हो रहा है ना वो गलत है। आप लोग गरीब मुसलमानों को टारगेट कर रहे हो, और उन लोगों की गलती भी नहीं है, दो गैम्बलर्स थे, वॉट एवर, उन लोगों ने खून किया और देवर गैम्बलर्स एंड दे डिड वॉट एवर दे वॉन्टेड टू डू एंड गिव देम पनिशमेंट। जो लोग बेकसूर है, जो लोग इनोसेंट है, उन लोगों के पीछे भागना छोड़ दीजिए प्लीज। अगर आपको मेरी बात समझ आई हो तो शेयर करिएगा, और प्लीज प्लीज जस्टिस के लिए बोलिएगा, हक के लिए आवाज उठाइएगा। एक बात जो मैं हमेशा, कोई भी ऐसी कोई पॉलिटिकल इशू होती है ना, तो हमेशा मैं बोलती हूँ कि ज्यादती आज अगर हमारे साथ हो रही है ना, तो कल को किसी के भी साथ हो सकती है। जो इनजस्टिस करते हैं ना उनका कोई धर्म होता है, ना उनकी कोई आइडियोलॉजी होती है, वो लोग सिर्फ एक चीज जानते हैं, डिवाइड एंड रूल बस। तो ये ब्रिटिशर्स वाला कॉन्सेप्ट जो आज तक खींचते आ रहे हैं ना, पुट एन एंड टू इट, पुट एन एंड टू डिवाइड एंड रूल। दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू से।